आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जलपल्ली में खुशी की बात है क्योंकि बहुत सारी तकलीफात थी जो नबील कॉलोनी में, अल्हम्दुलिल्लाह मैडम साहिबा ने आकर पूरा दौरा किए थे, उसी के बाद में फिर से उसके लिए 3 करोड़ रुपए सेंक्शन कराए हैं। मैं तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैडम साहिबा का, जिन्होंने नबील कॉलोनी की तकलीफात को देखकर गोश्ता में भी जो काम चल रहा था वो काम रुकने की वजह से फिर से एक्सटेंशन करके उसको 3 करोड़ रुपए की लागत से इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द काम स्टार्ट होने वाला है। तमाम वहाँ के आवाम से अदबन गुजारिश करता हूँ मैं कि आपको बहुत सारी तकलीफ हुई लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को राहत मिलने वाली है। इंशाल्लाह वहाँ का जल्द से जल्द काम स्टार्ट कराया जाएगा क्योंकि वहाँ पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा की पूरी नज़र है नबील कॉलोनी पे, और हमारे कार्तिक रेड्डी साहब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 3 से 4 मरतबा आ चुके हैं, देख चुके हैं वहाँ की क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफात है, वो देख कर KTR साहब से नुमाइंदगी करके अल्हम्दुलिल्लाह आज मैडम साहिबा ने और हमारे कार्तिक रेड्डी साहब मिलकर 3 करोड़ रुपये और से सेंक्शन कराए हैं। मैं उसके लिए तहे दिल से दोनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इसी तरीके से जलपल्ली म्यूनसिपल में बहुत सारे अवाम को तकलीफात थी लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हर गली गली में आप लोग देख सकते हैं वाटर लाइन बिछाई गई है, उसी के साथ में CC रोड का भी काम चल रहा है, ड्रेनेज लाइन का भी काम चल रहा है। इंशाल्लाह ताला फिर से मैडम साहिबा आप लोगों के दरमियान में, आवाम के दरमियान में आने वाले हैं क्योंकि हर वार्ड में जितने 28 वार्ड है, 28 वार्ड में भी जहां जहां भी ड्रेनेज का प्रॉब्लम है वहां पर ड्रेनेज का जो है ना कंडीशन रखे जाएंगे। इंशाल्लाह वहां पर जल्द से जल्द वहां पर भी काम स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि 28 वार्ड पहाड़ी शरीफ जलपल्ली शाहीन नगर का एरिया है और कुत्तापेट का एरिया है, ये तमाम 28 वार्डों में इंशाल्लाह ताला 27 तारीख के दिन इंशाल्लाह ताला फिर से इनाग्रेशन रखे जाएंगे। जो ये 80-80 लाख रुपए जो दिए गए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे तकरीबन वार्डों में काम हो चुका है, कुछ वार्डों में काम नहीं हुआ, इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द काम स्टार्ट हो जाएगा। और उसी के साथ में ये जितने भी अभी जो मैडम साहिबा इनाग्रेशन करेंगे इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द काम स्टार्ट कराएंगे, आवाम को तकलीफ कहीं भी नहीं हुए जैसा इंशाल्लाह ताला मैडम साहिबा ने वायदा किए हैं कि गली गली में CC रोड, ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन का भी बड़े बड़े जो है ना पाइप डाले जा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, और इसी के साथ में वाटर टैंक, बड़ी टैंक जो है ना हमारे इकबाल बिन खलीफा साहब के वार्ड में, वार्ड 27 में एक बड़ी वाटर टैंक का काम चल रहा है और एक पहाड़ी शरीफ में एक बड़ी वाटर टैंक का काम चल रहा है। इंशाल्लाह ताला जैसा वो कंप्लीट हो जाएगा आप तो आपको डेली जो है ना मीठा पानी मिलेगा क्योंकि अभी जैसा 1-2 दिन 3 दिन में पानी आ रहा है, इंशाल्लाह वो भी जो है ना एक बहुत बड़ा काम है। और इसी के साथ जिस टाइम से तेलंगाना अलग हुआ है हमारे CM KCR साहब ने लाइट का बहुत बड़ा काम किया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दिन में 4-5 घंटे 8 घंटे लाइट चली आती थी लेकिन आज इतनी बड़ी राहत है, लाइट जो है ना आपको 24 आवर्स लाइट की सहूलत है, लाइट क्योंकि बस्तियों में, हर बस्ती में कहीं भी देखो आप अंधेरा नजर आता था लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हर बस्ती में, हर गली में लाइट के पोल्स डाले गए हैं, पूरे लाइट लगाए गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। जलपल्ली म्यूनसिपल के एरिया में तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से मैडम साहिबा ने काम कराए, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम साहिबा का और कार्तिक रेड्डी साहब का क्योंकि उनकी हमेशा ये एरिया पे नजर रहती है, क्योंकि मैडम साहिबा ने जब कोरोना था उस टाइम पर भी डेली जो है ना जलपल्ली म्यूनसिपल में हर दिन जलपल्ली म्यूनसिपल में कुछ ना कुछ कोरोना के टाइम पर भी तकसीम किए क्योंकि उस टाइम पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे। उसी के साथ जैसा बारिश हुआ तो बारिश के मोमेंट में भी मैडम साहिबा ने बराबर जो है ना हर गली गली में फिर कर वहां पर देखे हैं, इंशाल्लाह आवाम को तकलीफ नहीं होना बोलकर मैडम साहिबा हमेशा अपडेट लेते थे ये जलपल्ली म्यूनसिपल में कहां पर क्या प्रॉब्लम है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमेशा मैडम साहिबा का क्योंकि गोश्ता में जो काम मैडम साहिबा ने होम मिनिस्टर रहे तक किए थे उसके बाद में फिर से मैडम साहिबा ने जो है ना काम कराए हैं, उससे पहले कोई काम नहीं हुआ, नहीं तो क्योंकि बहुत बड़ी राहत मिल सकती थी अगर से बीच के जो 5 साल में जो काम नहीं हुआ वो मैडम को थोड़ा सी तकलीफ हुई लेकिन मैडम साहिबा ने थाम लिए थे क्योंकि पूरे जलपल्ली म्यूनसिपल में डेवलप कराने के लिए बड़े बड़े रोड देखते हैं आप, पहाड़ी शरीफ के भी तकरीबन रोड डाले गए हैं, जलपल्ली के मेन रोड खराब थे, मेन रोड बड़े रोड डाले गए हैं, इसी तरीके से शाहीन नगर के भी आप लोग देख सकते हैं उस्मानिया होटल से वेंकटापुर जाने के लिए कितनी तकलीफात थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो है ना CC रोड का काम चल रहा है, इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसी के तरीके से पूरा पहाड़ी शरीफ और जलपल्ली, बालापुर, कुत्तापेट चारों गांव में
अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। इसके लिए बहुत बड़ा ये कारनामा है मैडम साहिबा का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम साहिबा का। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।